महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पर सियासत गर्म है। विपक्षी पार्टियों ने महाविकास अघाड़ी सरकार को इस चिट्ठी के आधार पर घेरते हुए गृहमंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग की है। सियासत भड़कते ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार देशमुख के बचाव में उतर आए। उन्होंने कहा कि परमबीर सिंह का दावा पूरी तरह गलत है। जिस समय परमबीर सिंह वाजे और देशमुख की मुलाकात का दावा कर रहे थे, उस समय देशमुख कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। पवार ने कहा कि उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि देशमुख के बचाव की आक्रामक रणनीति के साथ साथ आने वाले दिनों में उनका मंत्रालय बदलने की रणनीति भी बना ली गई है, क्योंकि महाराष्ट्र का ये मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा विवाद बन गया है और इस मुद्दे का शोर आज संसद में भी गूंजा। साथ ही परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर कर दी है। परमबीर का खत, गरम हुई सियासत। कौन किसी की चाकरी कर रहा है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, अन्य सदस्य विरोध करते हैं। महाराष्ट्र में गृह कलेश। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, महाराष्ट्र के उन नेताओं से पूछना चाहिए जो नेता की उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी ने महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि राष्ट्र की राजनीति में विवादों का ऐसा धमाका किया है कि विरोधी पार्टियों को बैठे बिठाए महाविकास अघाड़ी सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया। परमवीर सिंह की चिट्ठी को आधार बनाकर विपक्ष और विरोधी पार्टियों ने महाराष्ट्र सरकार को आरोपों के कटघरे में खड़ा किया और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग उठाई। संसद के दोनों सदनों में यह मुद्दा छाया रहा। बीजेपी सांसदों ने इस परमवीर सिंह की चिट्ठी का हवाला देते हुए देशमुख पर अवैध वसूली का आरोप लगाया और साथ ही गृह मंत्री के पद से उनके इस्तीफे की मांग की। बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस मामले में कार्रवाई की मांग की। एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहां जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़, और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। दूसरी जरूरी बात सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब गृह मंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का है, वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो सीधी बात है, आज तक दुनिया ने कहीं नहीं देखा कि पुलिस ही बम प्लांट करती है। यह क्या साधारण स्थिति है, यह असाधारण समस्या है। मुख्यमंत्री को बने रहने का जरा भी अधिकार नहीं है। पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री कैसे वसूली करता है यह अगर बताता है तो उसके साइन से ही आया है ना पत्र। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, महाराष्ट्र के उन नेताओं से पूछना चाहिए जो नेता की उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हम महाराष्ट्र में सुनते थे हफ्ते फिरौती फला डिमाका, ये जो एलिगेशन है ये तो हफ्ते और फिरौती का बाप दिखाई पड़ रहा है और उसको जस्टिफाई करना अपने आप उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। अनिल देशमुख और महाविकास अघाड़ी को विपक्ष के आरोपों में घिरा देखकर शरद पवार सरकार के बचाव में दीवार बनकर खड़े हो गए। शरद पवार ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि परमवीर सिंह जो दावा कर रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। एनसीपी ने सफाई देते हुए कहा कि 5 फरवरी को अनिल देशमुख की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इसके बाद वो 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। 16 फरवरी से देशमुख होम क्वारंटीन हो गए और 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन में ही रहे। शरद पवार ने कहा कि परमवीर सिंह का दावा गलत है, देशमुख सचिन वाजे से नहीं मिले थे। पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आधारहीन आरोपों के आधार पर देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है। मगर ये बात जब साफ हो गई सामने कि जो समय उस समय वो नहीं थे, ये बात साफ होने के बाद फिर जांच करना या न करना
हमारी अभी डिमांड नहीं है। लेकिन एनसीपी की इस सफाई के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में अनिल देशमुख का एक ट्वीट टैग करके एनसीपी पर हमला किया। अमित मालवीय ने लिखा कि शरद पवार के दावे की पोल खोलने के लिए ये ट्वीट काफी है। 15 फरवरी को ही अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीजेपी के इस आरोप के बाद खुद देशमुख सफाई देने पहुंचे। मुझे कोविड हुआ था, उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था, तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे, उनको मुझको सवाल पूछना था। मैं कोविड के वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। दरअसल अनिल देशमुख के बचाव में एनसीपी को इसलिए आना पड़ा क्योंकि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर गृह मंत्री पर अवैध उगाही के आरोप लगाए थे। परमवीर सिंह ने 2 पन्नों की चिट्ठी में लिखा था कि अनिल देशमुख ने कई बार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को अपने सरकारी घर पर बुलाया था। देशमुख ने वाजे से मुंबई के बार से अपने लिए 100 करोड़ रुपया महीना की उगाही करने के लिए कहा था। परमवीर सिंह ने दावा किया है कि देशमुख ने अपने पीए के सामने वाजे से उगाही के लिए कहा था। शरद पवार तथ्यों के साथ अनिल देशमुख के बचाव में उतरे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि परमवीर सिंह अभी भी अपने रुख पर कायम है। परमवीर सिंह सोमवार को डीजी होमगार्ड के अपने दफ्तर पहुंचे, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिया। परमवीर के करीबी सूत्रों का ये कहना है कि परमवीर का अभी भी ये दावा है कि वजह ये अनिल देशमुख के बंगले पर उनसे मिलने जाया करता था। तारीख तो कंफर्म नहीं है, लेकिन परमवीर का ये कहना है कि फरवरी के बीच में वजह अनिल देशमुख से मिलने उनके बंगले पर गया था। परमवीर ने यह भी कहा कि शरद पवार अगर कहते हैं कि वजह काफ़ी छोटा पुलिस अफसर है, तो फिर उनने ये सवाल उठाया कि सचिन वजह अनिल देशमुख के बंगले पर क्यों गया। चिट्ठी देर से लिखे जाने वाली बात पर परमवीर का कहना है कि जब अनिल देशमुख ने परमवीर पर आरोप किए, इससे आहत होकर उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। साफ तौर पर संभावना ये है कि आने वाले समय में अनिल देशमुख का पद बदला जा सकता है। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की याचिका दाखिल करके सीबीआई जांच की मांग की है। याचिका में परमवीर सिंह ने देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही कहा कि उनका ट्रांसफर भी रद्द किया जाए क्योंकि 2 साल से पहले ट्रांसफर गलत है। परमवीर सिंह की याचिका अभी सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन उनकी इस चिट्ठी पर सियासी सुनवाई बहुत तेज हो गई है। इसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हंगामा अभी कई दिन तक जारी रहने वाला है।